पहना है, ब्लू पहना है। आज एक स्टोरी चल रही है आपकी रूह तक पहुंच, मतलब माते रूह तक पहुंच जाती है एक्चुअली। क्या बात है, इतना भारी भरकम डायलॉग। बस अच्छा है बूम नहीं लेके आया उसमें से। अरे नहीं, मैं मतलब आपको बताना पड़ता है बिल्कुल, यानी मैडम दोनों पहली बार आ रहे हैं एक साथ, मैं हॉलीवुड स्टाइल में बिल्कुल शूट होना चाहिए। आज डायरेक्टर के रोल में है। प्रेस मीट में साइड प्रोफाइल, थोड़ा सा प्रोफाइल दीजिए मैम, थोड़ा सा कैंडिडेट सर, थोड़ा पास दीजिए दिख रहा है ना सब कुछ बताओ ताकि हम लोग थोड़ा माइक के पास दिख रहा है ना सब कुछ जी इतना मचाए रखा है सर जरा सा उस पे दे दिया माइक पे। पीछे नहीं हो रहा, पीछे खाना लगा हुआ है। सर लेफ्ट टू राइट देख लीजिए एक बार, दोनों साथ में हम लेफ्ट टू राइट। यहां से लेते हैं, हां धीरे धीरे। अरे कैमरा अंदर आओ, व्हेन आई कॉल देम नाउ। अभी बुला दिए सर को, हां अभी बुला दिए। टीम भी देख रहा है, देखिए लाइन बंद कर जाओ सर को। 24 नया घर ले लिया है यार, अच्छा हाँ थोड़ा जी जी, मैंने कहा नया घर इस बार गणपति नहीं पे घर पे बैठेगा, पता नहीं। अच्छा वो रेनोवेट वाला यू आर प्लानिंग फॉर दिस, हां मैं लेता हूं। ही कम्स होम और नो आ गया, आई नॉर्मली गणपति के टाइम थोड़ा सा ओडी से। थैंक यू फॉर लाइक ऑर्गेनाइजिंग अस पिक्चर्स एंड सी इफ यू डोंट आस्क द ग्रेट क्वेश्चन देन क्या क्या आंसर है, इसकी जरूरत है हमें, हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। डोंट प्रोवोक हिम, ही माइट गेट। नवाज जी वैसा माहौल बना रहे थे पूरा, क्या मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं करके करते हो, कैसे करते बताओ। आई एम राइट, आज खोल दो राज, मैं वही पूछ रही हूँ सुबह से जब से मिली हूँ। Am I right? ना ये कहते हैं राइट नॉट कुछ नहीं बोल के भी इतना करते तो क्या साला इंसान सब रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, इवन बेटर, इवन बेटर। अच्छा बोल, मैजेस्टिक मैजेस्टिक भाई, बस हो गया वो तो सर से भी बुलाने। चलो आप लोग थोड़ा, हम लोग आपका वेट कर रहे हैं, सॉरी। चलो जी वीडियो हो गया, राजेश नहीं राजेश सर और फिल्म हाथ आ गया सब के पास। ठीक है एक दिन इधर आ सकते हैं। हाँ हाँ बस 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 हट जा साइड हो जा, एक मिनट लास्ट लास्ट होगा अपना, एक मिनट एक मिनट। राहुल किस काम ना, नहीं नहीं आप आए हैं मिल रहा है ना भाई, वीडियो जरा पीछे लेना सर, दूसरी पीछे रुक जा मेरा तेरा विजुअल हो जाए सर, अंदर हो जा भाई, जरा कैमरा थोड़ा पीछे ले, हां वन मोर, हां थोड़ा हां वन सर हमने और मैंने जो स्टिल्स लिए ना मैं तेरे को दे देता हूँ सबको, तो ट्रांसफर कर दो इंदर इंदर से नहीं इंदर पीछे पीछे एक मिनट पिक्चर एक मिनट होगा सर, एक मिनट जाए सामने सर, मोबाइल थोड़ा मोबाइल फिर से ले लो बराबर, कहाँ जाओ आगे।
स्टील बैठो सामने था कि इसलिए था क्योंकि हम लोग चाहते थे कि एक ऐसे माहौल की फिल्म बने ऐसे एटमॉस्फेयर की फिल्म बने जो हमारे बहुत करीब हो और चूँकि हम वेस्टर्न यूपी से हैं मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर वहाँ का जो एटमॉस्फेयर अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया तो ये बहुत अच्छी अच्छी कहानी कही जा सकती है वहाँ की चीज़ों को लेकर तो ये एक मन में ख्याल आया था चूँकि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हमारी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है हमने देखा है वो चीज़ें उस स्टोरी को कहने का आई थिंक इससे अच्छा मौका नहीं था। नवाज ये पहला मौका होगा जब आप रैप सॉन्ग गाते हुए नजर आएंगे इसके लिए कैसे राजी हुए और किस तरह का गाना है? सी मैं तो सिंगर नहीं हूँ बट कोशिश की है मैंने जो हमारे कुमार साहब हैं उन्होंने 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 गवा लिया मेरे से बट बाकी मेरी इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं गा सकता हूँ ना मैं बनना चाहता हूँ सिंगर बट उसमें था कुछ ऐसे रॉ एलिमेंट थे उसमें जिसमें आवाज़ मेरी शायद सूट हो मेरी अभी आ जाएगा जल्दी से आ जाएगा तो मैं कहाँ पे रैप करना कितना इजी या मुश्किल है सर मतलब वैसे वो शब्दों का खेल होता है जो रैप करना होता है सो इट्स नॉट एन इजी है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कितना रियाज करना पड़ा इसके लिए प्रैक्टिस की मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की रैप सॉन्ग में जो इस सॉन्ग में स्पेशली ये खास बात थी कि
वर्ड्स जो थे उसके जो वर्ड्स थे लफ्ज थे उसके वो खुद ही एक रिदम देते हैं, तो आप अगर नॉर्मली भी पढ़ दो उसको तो एक और रिदम के साथ पढ़ दो तो गाना बन जाता है। तमन्ना आपसे जानना चाहूँगा, पहले जब मैंने सुना कि नवाज जी के साथ एक फिल्म ऑफर हुई है मैं पहले चेक कर दी कि क्या वो सोर्स करेक्ट है कि नहीं, कोई मुझे उल्लू तो नहीं बना रहा, कोई ऐसे ही तो फ़ोन करके नहीं बोल रहा कि नवाज के साथ फिल्म है, तो मैंने पहले वो चेक किया कि इज इट जेन्युइन और नॉट, बिकॉज आई हैवन डन सो मेनी फिल्म्स हियर एंड पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ नवाज लाइक एवरीबडी एल्स एंड जस्ट लव योर वर्क एंड इस किस्म की स्क्रिप्ट मैंने कभी आज तक की नहीं है एंड ऑफकोर्स साउथ की जो भी फिल्में की हैं मैंने उसमें रूरल साउथ को काफ़ी सारी बार दर्शाया होगा, लेकिन इस किस्म से नॉर्थ इन इंडिया का यू नो एक प्रदर्शन नहीं किया है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि इस किस्म का किरदार मुझे ऑफर किया गया है, मेरे लिए बिल्कुल भी नया होगा एंड या आई मीन आई एम जस्ट सो एक्साइटेड टू जस्ट बी इन द सेम फ्रेम विद नवाज़ बिकॉज एज एन एक्टर यही तो एक चाह रहती है कि कुछ नया करने को मिले, कुछ just to you know explore a new character, so I think मैं उसी उसको लेके बहुत excited हूँ। नवाज़ भाई सवाल है, एक सेकंड, बचपन में हम लोग देख